कर, वो अंदर में हम ना दो दिन पहले यहाँ से गुजरा था टाइगर, और एक बार नहीं चार से पांच बार गुजरा था। ये देखो ये बहुत जबरदस्त ये है और लो। हेलो गाइस, एंड आज तो मैं आपको एकदम जबरदस्त नजारा दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पीछे देखिए दो दो शेर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सोचेंगे कि यही पे दो शेर है तो अंदर क्या होगा। मैं अंदर में जंगल के अंदर में जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे आपको शेर दिखेगा, भालू दिखेगा, टाइगर दिखेगा और क्या दिखेगा, क्योंकि ये है घोड़ा जरी का गेट। घोड़ा जरी मीन्स अंदर में गांव है घोड़ा जरी, और यहाँ से लेक है, और यहाँ से वहाँ तक जाने का 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो भी जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर में क्या क्या दिखेगा आपको, गेट पे ही दो दो टाइगर दिख रहे हैं। ये देखिए ये साइड में एक टाइगर और दूसरे साइड में एक टाइगर दिखा ना, तो अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा एकदम बहुत जबरदस्त नज़ारा। तो वेलकम बैक टू माई चैनल राइडर मैन रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एकदम जबरदस्त जंगल की सफारी कराने वाला हूँ, मैं अपने टू व्हीलर से, जो कि अपनी उड़न दस्तरी हिमालयन है। तो देखिए मेरे पीछे और एक शेर आ गया, देखो भाई ये छोटा शेर है, आजू बाजू में बड़े शेर है और ये छोटा शेर। तो आपको मैं दिखाऊंगा अंदर का नजारा, मेरे साथ अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं अंदर में, जंगल का नजारा दिखाता हूँ, अंदर में जो जो देखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। गेट के अंदर में अपन ने एंट्री की, अभी अपन निकलते हैं अपने उड़न तस्करी से। तो वेट एंड वॉच, एंड मैं दिखाता हूँ जो जो दिखेगा वो दिखाऊंगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं दिखाऊंगा। चलिए भाई लोग, मैं आपको दिखाता हूँ टाइगर। टाइगर देखने के लिए आया अपन यहाँ पे, ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ देखिए भाई, ध्यान से देखिए टाइगर, टाइगर को दिखाऊंगा मैं आपको। और ये पूरा जंगल का एरिया भाई, गेट से लगा चार से पाँच किलोमीटर डिस्टेंस पे ये पूरा जंगल है। वो भाई गेट वाला जो भाई बोल रहा था कि अभी दो दिन पहले यहाँ से गुजरा था टाइगर, और एक बार नहीं चार से पांच बार गुजरा था, मगर वो आदमी को कुछ करता नहीं, सिर्फ खाता है। ऐसा है कि छोटे छोटे जानवर को मारता है, ऐसा बोल रहा था। अभी ये जो जंगल है बहुत बड़ा जंगल है, और ये हिरन देखो भाई, हिरन दिखा मगर कैमरे में कैद नहीं होगा। वो देखो वो हिरन, क्या दिख रहा है, शायद क्या अपने कैमरे में कैद नहीं होगा यार, बहुत दूर है, बहुत जबरदस्त है। चलो भाई मैं बोला था आपको जो दिखेगा वो दिखाऊंगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं दिखाऊंगा। अभी स्टार्टिंग ही अपना एकदम हरिन से हुआ है। डियर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। तो जंगल में हरिन दिखा, और क्या दिखेगा, टाइगर दिखेगा क्या? टाइगर दिखेगा तो अपन भाग जाएंगे यार, दूर से बहुत डर लगता है टाइगर से, और टाइगर तो अपन दिखने को नहीं होना। तो हरिन दिखेगा, मंकी दिखेगा, और बाकी भी लोग दिखेंगे, और ये सब अभी जानवर भाई है क्या? एनीबडी कोई है क्या जानवर? अगर भाई कोई आया ना खतरनाक जानवर, तो अपनी तो फट जाएगी भाई, अपन तो निकल जाएंगे यहाँ से उल्टा उल्टा पाव। और आगे में कुछ बोटिंग है और गार्डन वगैरह है, और फ्लो का भी नज़ारा है, वो भी दिखाऊंगा। तो नागपुर से भाई कोई आने वाला है घोड़ाघरी में, तो नागपुर से एकदम स्टेट हाईवे निकलता है उमरेड, उमरेड में आना पड़ेगा, और उमरेड से भीवापुर आना पड़ेगा, और भीवापुर से नागपुर। तो नागपुर से जस्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे घोड़ाघरी गेट है, गेट बहुत बड़ा गेट है, और वहाँ से 20 रुपीज़ का एंट्री फीस है अंदर आने का। और ये जंगल के अंदर जाना तो उचित नहीं है, क्योंकि जानवर घूमते रहते हैं उसके लिए। तो यही रोड रोड से मज़ा लेना उचित रहेगा, रोड के ऊपर से टाइगर का चित्र दिखा है, और बोल रहे हैं कि सावधान भाई, पहली पिक्चर देखती अपनी फट गई। ओ भाई, ओ टाइगर,
वो अंदर में अंदर आदमी तो फट रही भाई, अगर कैमरे में टाइप नहीं हो पा रहा है, देखो धीरे धीरे देखना भाई, वो थोड़ा सा अंदर में जा रहा है वो। ओ हो, अपन निकलते यार, पानी पी के जा रहा है वो। देखो टाइगर टाइगर दिख गया था पूरा पूरा, वो हाँ टाइगर ही था, वो टाइगर ही था। और बहुत धीरे धीरे पानी पी के वो धीरे धीरे निकल रहा था अंदर में, क्योंकि ये गाड़ी उनका आवाज आता है ना रोड की तरफ, तो वो आता नहीं हो रहा तो आता होगा। तो यहाँ पे अपन ने पार्किंग करी है, ये सामने में अपने बोट वगैरह चलाने का है, ओवर फ्लो देखने का है, और यहाँ पे सब गाड़ियाँ फोर व्हीलर टू व्हीलर सब पार्किंग है। भाइयों अपन पहुँच गए गेट से, अंदर में 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं आपको दिखाया सारा जंगल का नज़ारा, और यहाँ पे अपन उड़न तस्करी पार्क करिए, और अभी देखते हैं यहाँ पे ओवर फ्लो और बोटिंग का नज़ारा है, वो भी मैं दिखाता हूँ और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी करेंगे। तो चलिए भाइयों ये भजियों का मजा लेते हुए लोग, और ये गोलगप्पे। ये देखो ये बहुत जबरदस्त, ये है ओवरफ्लो, ये है घोड़ाझरी का लेक, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा ओवरफ्लो का नजारा, और यहाँ पे लोग एंजॉय करते हुए आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही गजब। और यहाँ पे फोर व्हीलर डाली है लोगों ने एकदम जोरदार। पानी में जाने का थोड़ा सा मैं साहस कर रहा हूँ, डर तो मुझे बहुत लग रहा है। अरे बहुत पानी है यार, आगे नहीं ले सब कुछ, बहुत जबरदस्त नज़ारा, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे और लोगों का तो बहुत बहुत बढ़िया नज़ारा है, यहाँ पे देखिए लोग आजू बाजू से आके पूरा इंजॉय ले रहे, इंजॉयमेंट ले रहे। तो भाइयों यहाँ पे मेरा जो शूज है ये पूरा का पूरा भीग चुका है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट आई थी, उसके लिए मैं भी अंदर में घुस गया। और यहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, जाने का कोई नहीं हो रही, इच्छा तो हो रही मगर साहस नहीं हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त सुंदर, लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह डाली है, बहुत खतरनाक इधर पानी तो बहुत ज़्यादा है। पानी में पहली बार अपन जा रहे हैं आज, और वो भी शूज के साथ।
लीजिए। और पब्लिक क्या बोलती है? भाइयों एकदम जबरदस्त नजारा यहाँ पे और फ्लो का, ये घोड़ा जरी का तालाब है और यहाँ से जो और फ्लो हो रहा है एकदम जबरदस्त हो रहा है और यहाँ पे जो आजू बाजू के लोग है ना आके एकदम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए और ये भी लेडीज और ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे बहुत भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी भी इच्छा हुई यहाँ पे घूमने की। ये देखिए भाई और भाई का ये देखो पीछे का ओवरफ्लो का नज़ारा तो बहुत गजब था भाई, क्योंकि घोड़ाजरी का जो तालाब है ओवरफ्लो हो गया पानी की वजह से और यहाँ पे जो पर्यटक लोग हैं ना दूर दूर से आए हैं, नागपुर से लेके चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली से लेके और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रश है और इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, सब लोग एकदम मौज कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको नागभीड़ का पूरा नज़ारा बता दिया, पूरा जंगल सफारी मैंने करा दी अपने बाइक से जो गेट से अपन यहाँ तक पहुँचे, 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे मैंने और फ्लो का भी नज़ारा बता दिया। इतना सारा बताने के बाद बस मेरी एनर्जी ख़त्म है, तभी मेरे पास कोई एनर्जी है नहीं अभी। तो चलिए भाई कुछ तो भी यहाँ पे पेट पूजा करेंगे और निकलेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, तो चलिए थैंक यू।